गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये देखो भाई साहब, ये वाली भैया आ जाओ चले गेड़ी मार के आए। आए इसमें चलो, ये वाली गाड़ी देखने आए हैं भाई के लिए। और भाई अंदर बैठ गए, सही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है सेकंड डे, आज है तारीख 3। आज शाम को 8:30 बजे अपना टीवी पे एमटीवी पे अपना शो लाइव होगा, तो वो सब लोग हम भी देखेंगे, हमारे दोस्त लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखना अपने अपने घर पे। संडे को भी आएगा, संडे को भी देखना। अभी यहाँ से चलते हैं जट भाई के वहाँ पे, मेरे को थोड़ा दांत भी क्लीन करवाना है, कुछ और भी काम है, तो वो भी करते हुए चलेंगे। अभी चलते हैं भाई के पास, पहले मिलवाते हैं आपसे। मटर वाले चावल नहीं, बिरयानी है भाई, बिरयानी। और भैया भी बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे, हम भी बिरयानी खा रहे हैं। ले भाई तेरे लिए हरी लाल चटनी। बटू इधर आ, चढ़ाई ज्यादा है। आ जाता है, कोको कूद के यहाँ बैठ गया था। हाँ यहाँ, अच्छा, और वो भी पीछे भाग के नहीं आया, खड़े। तो भाई हम आ चुके हैं वहां से, जट भाई के वहां से फ्री हो गए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कहाँ पे आए, आए हम हेमंता के घर पे। क्यों आए, क्योंकि हम एमटीवी का जो हमारा शो आने वाला है वो 8:30 बजे, तो अभी बस 4-5 मिनट बाकी, तो 4-5 मिनट वेट कर रहे हैं और शो देखते हैं आप लोगों के साथ, आपको भी दिखाते हैं। और आप लोग भी देखना यार, टैग करना मुझे, वूट पे भी आएगा कल, वूट पे भी लाइव हो जाएगा, तो वूट पे भी। तो भाई लाइव होना स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा इंटरव्यू टाइप का है। तो भाई ये है कोब और ये है बड़ी, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है ना वो इसको जानते हैं, बट ये मुझे अभी भूल चुकी है, क्योंकि ये इस घर में ही रहती है हेमंता के पास में, क्योंकि ये हेमंता की बिल्ली की बच्ची है, इसकी मतलब बच्ची है ये, तो ये इसी घर में छोड़ दी क्योंकि मैं घर पे रहता नहीं हूँ। इसको देखो, ये लुक दे रहा है देखो, और ये चुपचाप बैठी है। तो मेरी बेटी के ची, वो भाग गया देखो। तो मैं घर में रहता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को जट भाई के वहाँ जाना होता है, दिन भर वहाँ पे काम रहता है, फिर इसका ध्यान कौन रखे, इसलिए मैंने इसको यहाँ ही छोड़ रखी है। अगर अश्विन भाई जल्दी आ जाएंगे, अश्विन को भी बहुत लोग नहीं जानते, अश्विन भाई है मेरा एक दोस्त है जो साथ में रहता है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा, तो उसके साथ जब रहने लग जाऊँगा वापस घर पर प्रॉपर, तब मैं इसको वापस ले जाऊँगा। भाई अपना शो स्टार्ट हो चुका है एमटीवी पे, कुछ ऐसा आता है। ये देखो, ये ट्रैक था बेंगलोर का जो वूट कैंप हुआ था, टॉप 19 प्लेयर पहुंचे थे यहाँ पे। जो मेरे पुराने ब्लॉग अगर आप चेक करोगे ना, हीरो डट बाइकिंग सर्च करोगे ना मेरे चैनल पे, तो आपको पुराने ब्लॉग मिल जाएंगे मेरे को आपको देखने के लिए। मेरे पुराने ब्लॉग डाल रखे हैं मैंने यहाँ के, तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आप देखना, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो भाई जो ये शूट कर रहा हूँ ये मैं इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ, वो जो शूट कर रहे हैं वो मेरे ब्लॉग चैनल के लिए कर रहे हैं, वो हमारे कैमरा मैन है हेमंता, आज के लिए थैंक यू कैमरा मैन के लिए। ये एंट्री गेट था भाई, सब लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। ऑसम ब्रेक ब्रो, ऑसम भाई, इसमें लगता है दिखाई नहीं। सबसे पहले देखने को ये यो भाई बन गया, एकदम से तुम पापा हो गए। फर्स्ट फेज मेरे दिखा भाई, बट बहुत अच्छा लग रहा था भाई, वहाँ का बारिश भी हो रही थी, मतलब लाइक बहुत सही था। ये भाई बहुत अच्छे, मतलब क्या बोलूं मैं, क्या सीखने को मिला इनसे। मैंने देखा है ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे फेस करेगा, इस तरीके सॉल्व कर, तो मैंने ठीक है वो
मेरा भी आएगा। जब आप ऐसे राइडरों के साथ चलाते हो जो भी यहाँ पे आते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। सो दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट, इट्स गुड, लॉट ऑफ पीपल आर इंप्रूविंग। सो अकॉर्डिंग टू हाउ द राइडर्स डूइंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? Yeah, riders are performing good, whatever we thought, they're trying to implement. So it's going to be more fun. The guy who is smart, he works on all the techniques, what everyone thought, if he uses it, he's going to win. Good to go. Yeah. Your speed, you gain before you get to the jump, and then stabilize it before you actually take it. And if you want to... ये भाई जो इन्होंने ट्रेनिंग करवाई ना गिरवी में, बहुत अच्छी मिली, बहुत सीखने को मिला। पर्सनली मेरे को बहुत सीखने को मिला, और इस लेडी की स्मूथ राइडिंग है, बहुत स्मूथ। मैं कुछ फैन पोजीशन, how to break, when break, always stand up to break, because we are stand up, we are more comfortable, more confident, and we are stronger. Always in the middle of the bike, here. If we want to turn like this, we are do it with the bike. Also, when I sit down, I don't sit down like this, or like this, no, always in the middle, here and here. Tumhare liye bhi ye main daal raha hu, bahut matlab difficult ho raha hai, to main kya dekha kaise kaise usko play kar, wo kafi acha hai, let me plan train kar rahi hai, aur baaki hum sab riders ke saath usko seekh rahe hain acche se. The first walk, corner is the first aspect that I would look forward. I'm teaching them the first half of a corner, which is a 180 corner. मेरा भी इंजरी हुआ 6 months back ना, मेरे को technically थोड़ा सा weak में आने को ऑफिस में ना बारा से तो कुछ तो हो भाई, leg जो है मेरा घुटने का बहुत ज़्यादा काम थोड़ा सा मेरे को डर लगता है कि अरे कहीं जर्क ना लग जाए, पूरी रेस खराब हो जाएगी। सपोर्ट करना, अगले इस साल हम करेंगे विन। ये मैं हूँ। You have to count side and then you have to take this corner. And we have a right side corner which is a long corner. So तुम फोन सही से पकड़ो। Excitement में फोन ये तो टेढ़ा पकड़ ले। तुम्हारी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं खुद देख नहीं पा रही हूँ, समझे? कल देख लेंगे, वोट पे देख लेंगे। Okay, so you have to find your leg. There are legs. भाई, like you go. भाई हमारे कैमरामैन को भी देखना है, तो पूरा ऐसे ऐसे स्टिक होके बैठी एकदम ऐसे कि हिले ना। मैंने मिस कर दी ना वहाँ पे। राइट कॉर्नरिंग के टाइम में हमें पैर निकालना होता है। ये मैं हूँ। मैं अगर बोलना चाहूँ ना, हीरो की जो फैसिलिटीज थी, खाना, रहना, फूड और ट्रेनिंग, स्पेशली ट्रेनिंग के जितने भी जो ट्रेनर जो सिखा रहे थे ना, जैसे टॉप 90 में हो गए, चाहे टॉप 20 में हो गए, मतलब बेस्ट है, टॉप 20 का भी आपको आगे देखने को मिलेगा, बट टॉप 19 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फूड बहुत अच्छा था, ट्रैक बहुत अच्छा था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा और देखो, आपको भी समझ में आएगा। हमने तो करके आया था, हमें बहुत मजा आया। मिस्टेक किया तो मार्क्स कट हो जाएगा।
Riders from 71 to 75, they're all really good. So I think at least two will make it to the finals. That's what I'm looking forward from this batch. So yeah, let's see what happens. मेरा इसमें बहुत गंदा क्रैश हुआ था। दो राइडर्स इवन विंस। आई आस्क देम अ क्वेश्चन, हु यू आर? अ विनर और अ चैंपियन? चैंपियन व्हाई? बिकॉज़ एवरी रेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट विन। 75 मेरा नंबर है, पार्टिसिपेट नंबर। हां। तीन राइडर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एक्शन पैक्ड रेस टू द टॉप। तो भाई जैसे कि आपने देखा है, ये अभी इसका जो फाइनल, अभी इसके बाद में जो एक एपिसोड और आएगा उसके बाद में फाइनल का टॉप 20 का पता चलेगा। तो देखते हैं यार, आप भी देखते रहो, नेक्स्ट एपिसोड आपको पता चलेगा। काफी सारे राइडर हैं और देखते हैं क्या होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आपके घर पे टीवी, सबके घर पे टीवी है तो यार देखना और बस सपोर्ट करना। मैं भी इस साल भी होगा 2023 में भी ये सैम शो होगा। तो जो भी मतलब ऑफ रोड चलाता है, ऑफ रोड चलाना चाहता है, जो ऑफ रोड में रुचि रखता है, तो ये वाला शो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस साल जब भी होगा तो हीरो के पेज पे सब जगह डल जाएगा, तो हम बताएंगे आपको, हम भी अपडेट करेंगे, मैं भी चलाऊंगा। मिलते हैं आपको और हमारे ये आज के कैमरामैन, थैंक यू सो मच, वेलकम बूम। और ये बड़ी यहाँ पे सॉरी। और ये गुड मॉर्निंग गाइज, आज है सेकंड डे, कल वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और टीवी पे आपको कहीं पे भी आप मुझे देखते हो टीवी पे, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करना। और आज संडे, आज 9:30 रात को टीवी पे आएगा अपना फिर से शो, तो ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। ओके गाइज, बाय।